હવે ઉત્તર પ્રદેશની કોઈ ઓળખ હોય તો તે છે અયોધ્યાનું રામ મંદિર। ભાજપે જે વાયદો કર્યો હતો તે પૂર્ણ પણ થઈ ગયો છે, પરંતુ આ સિલસિલો હજુ અહીં અટક્યો નથી। અયોધ્યા પછી હજુ બીજા બે ધાર્મિક સ્થાન છે જ્યાં ભગવો લહેરાવાનો બાકી છે અને આ માટે ભાજપે તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી છે। ક્યાં બે દિવ્ય સ્થાન છે અને તેના વિકાસ માટે ભાજપે કેવી કરી છે તૈયારી, જોઈએ અહેવાલમાં। देशवासीओ जेनी हजारों वर्षोथी राह जोई रह्या हता ते राम मंदिर अयोध्या में बनीने तैयार छे अने रामलला पण टेंट छोड़ीने दिव्य अने भव्य मंदिर में बिराजमान थई चूक्या छे। और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया, आज वो एक नित नए प्रतिमा स्थापित कर रहा है। हजारों वर्षों थी अयोध्या में मंदिर बनावानी मांग हती, जेना माटे अनेक लोकोए बलिदान पण आप्या छे। ત્યારે આ બલિદાન અને ભાજપના પ્રયાસથી આજે આ દિવ્ય નગરી બની છે અને હજારો લોકો ત્યાં દર્શન કરીને જીવન ધન્ય થયાનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે। અયોધ્યા उसकी एक पहचान दिलाई गई है। अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गए। अयोध्या बाद हवे योगी सरकार काशी और मथुरा पर ध्यान केंद्रित कर रही है और ते माटे योगी सरकारे तैयारीओ पण आदरी दीधी है। बुधवार यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे पांडवकाळनी वात करीने तेनो निर्देश पण आपी दीधो। पांडवकाळनी आ वात करवा पाछळ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथनो स्पष्ट संदेश हतो कि अमे फक्त 3 जग्या ज मांगी रह्या छीए अने आ 3 जग्या अयोध्या बाद काशी अने मथुरा छे। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। अयोध्या, काशी और मथुरा मांगवा पाछळ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे कारण पण जणाव्युं कि केम आ 3 जग्या आस्थानुं स्थान छे अने एटले ज हिंदू लोको आ 3 जग्या मांगी रह्या छे। वो 3 के लिए इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश संतो काशी मथुरा की बात कर रहा है, त्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पण दिल्ली एक कार्यक्रम में अयोध्या बाद काशी मथुरा विकास की बात कर दीधी। तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन मथुरा अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। ત્યારે દેશના સંતોની યુપીના મુખ્યમંત્રી ખુદ કહી રહ્યા છે કે અયોધ્યા તો ઝાંખી છે, હવે બસ કાશી અને મથુરા બાકી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ ઝી મીડિયા।